नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश शिवानी अस्त्र चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको कुछ लास्ट वीडियो से मैं डिफरेंट ग्रहों की दशा में, डिफरेंट ग्रहों की अंतर दशा के विषय में पढ़ा रहा हूं, तो इस बार हमारी दशा चल रही है महादशा की, मंगल की। और उसमें राहु की अंतर दशा कैसे फल देती है, पिछली बार पढ़ाया था कि मंगल की महादशा में मंगल की अंतर दशा कैसे फल देती है। इस बार हमारा टॉपिक रहेगा कि मंगल की महादशा हो और राहु की अंतरदशा हो किसी की, तो क्या फल मिलते हैं और कैसे परिणाम मिलते हैं, क्या हमें प्रेडिक्शन करनी चाहिए। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं आपको सीधा प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। राहु अंतरदशा के बारे में बहुत ही साफ तरीके से और स्पष्ट तरीके से ऋषि पाराशर ने बृहत पाराशर होरा शास्त्र में लिखा है। वो कहते हैं, कुछ स्या अंतर्गते राहु स्वच्छे मूल त्रिकोणगे शुभ युक्ते सुभैर दृष्टे केंद्र लाभ त्रिकोण के। मतलब क्या है इनका, कहते हैं कुछ मीन्स मंगल की महादशा हो, कुछ स्या अंतर्गते और उसके अंतर्गत किसकी दशा हो, राहु की अंतर्दशा हो और राहु उच्च राशि में हो, स्वच्छ हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, शुभ राशि शुभ ग्रह से युक्त हो, शुभ ग्रह से ध्रष्ट हो या केंद्र लाभ और त्रिकोण लाभ में। वो साफ साफ ये लिखते हैं कि मंगल की महादशा हो और मंगल में राहु की अंतरदशा हो और राहु उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, शुभ ग्रह से युक्त हो या शुभ ग्रह से ध्रष्ट हो, केंद्र लाभ त्रिकोण भाव में हो, तो क्या होता है, तत्काले राज सम्मानम ग्रह भूम्यादि लाभ करता है। तत्काले राज सम्मानम यानी तत्काल ही राज का सम्मान मिलता है, गवर्नमेंट से प्रमोशन मिलता है, आपके जॉब के अंदर प्रमोशन मिलता है, आपको रिकॉग्निशन मिलती है, तो तत्काले राज सम्मानम ग्रह भूम्यादि लाभ करता है, यानी घर और भूमि का भी लाभ होता है, ग्रह भूम्यादि लाभ करता है। कलत्र पुत्र लाभ यानी संतान लाभ होता है, पुत्र लाभ होता है। स्याद व्यवसाय तफलाधिकम गंगा स्नान फलावाप्तिम विदेश गमनम तथा गंगा स्नान, गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान होता है और विदेश भ्रमण की संभावना होती है। तो देखिये कितना सिंपल है जो उन्होंने सिंपल वे में बताया है कि मंगल की महादशा हो और राहु की अंतरदशा हो और राहु उच्च राशि में हो या मूल त्रिकोण राशि में हो, शुभ ग्रह से युक्त हो, शुभ ग्रह से ध्रष्ट हो, केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में हो, तो तत्काल राज सम्मान मिलता है, घर भूमि का लाभ मिलता है, संतान लाभ मिलता है, व्यवसाय में सफलता मिलती है, अच्छी पवित्र नदियों में स्नान होता है और विदेश यात्रा होती है, और विदेश यात्रा भी जो होती है वो आपकी सफल होती है। इसके विपरीत वो कहते हैं, तथा अष्टमेवे राहु पाप युक्ते अथे विक्षिते, तथा अष्टम व्यय राहु पाप युक्ते अथ विक्षिते। वो कहते हैं कि यदि राहु लगन से अष्टम भाव में हो, तथा अष्टम व्यय व्यय भाव में हो, बारहवें भाव में हो, यदि राहु लगन से अष्टम या बारहवें भाव में स्थित हो, तो पाप युक्ते अथ विक्षिते, पाप ग्रह से युक्त हो अथवा विक्षित हो, त्रस्त हो, तो क्या होता है, चौराही व्रण भीतश्च चतुष्पाद जीवनाशनम, यानी इसकी अंतरदशा में जातक को चोर से भय होता है, सर्प से भय होता है और चोट का भय होता है। वात पित्त रुजो भीति काराग्रह निवेशनम, वात पित्त की प्रॉब्लम होती है, काराग्रह निवेशनम, काराग्रह यानी जेल आदि की संभावना भी इसके अंदर हो जाती है। धन स्थान गते राहो धन नाशम मैद भयम, अगर राहु धन भाव में स्थित हो, द्वितीय भाव में स्थित हो, तो धन का नाश होता है एवं धन का व्यय होता है। सप्तम स्थान गे वापी गय मृत्यु तय वदेत नाग पूजा प्रकुवीरत देव ब्राह्मण भोजनम मृत्यु जपम कार्यादा युराज योग्यम लभ्यते। यहां ये कहते हैं कि यदि राहु आपका सप्तम भाव में स्थित हो, देखिए राहु मारक भाव, हमारे दो भाव होते हैं, द्वितीय भाव और सप्तम भाव हमारे मारक भाव होते हैं, तो द्वितीय भाव के लिए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है ऋषि पाराशर जी ने कि धन का नाश होता है और आदमी के अंदर भय की भावना बनी रहती है। और यदि राहु सप्तम भाव में हो तो वो कहते हैं कि धन का नाश और महाभय तो होता ही है और उसके साथ साथ नाक का भय होता है, मृत्यु का भय भी होता है, तो इसके निवारण के लिए उन्होंने क्या बोला है कि इसके निवारण के लिए नागदेव की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर राहु आपके दूसरे या सातवें भाव में है और उसकी दशा अंतर दशा आई है, तो महामृत्युंजय का जाप कराएं,
नागदेव की पूजा करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ऐसा करने से दीर्घायु एवं आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो ये दो चीज हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है इसके अंदर, राहु के अंदर। पहला कि राहु केंद्र त्रिकोण लाभा में हो, उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो तो क्या क्या फल मिलते हैं। उसके विपरीत राहु लगन से अष्टम भाव में बैठा हो या बारहवें भाव में बैठा हो तो क्या फल मिलते हैं। और उसमें ये बताया है कि जातक को चोर, सर्प, वर्ण आदि का भय रहता है। और यदि राहु द्वितीय भाव में हो तो संधन का भय होता है, धन का नाश होता है। राहु सप्तम भाव में हो तो मृत्यु की संभावना होती है। ऐसे में नागदेव की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए, मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से दीर्घायु आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ आपको ये मंगल में राहु की अंत दशा के बारे में समझ आया होगा बहुत सिंपल तरीके से। और समझ आया तो कांडी लाइक जरूर कीजिएगा। और हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।